हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल भाड़ी फैमिली 21 उत्तराखंडी। तो दोस्तों, आज बहुत दुखद सूचना है कि भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा जी का निधन हो चुका है, जो 86 साल के थे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिनका निधन बुधवार रात 11 बजे हुआ था। उन्हें मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में रखा गया था। रतन टाटा जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने नेतृत्व से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान दिया था। ये एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो खुद अपनी कंपनी में एक कर्मचारी के तौर पर ही काम करते थे और अपनी सैलरी का 80% से ज़्यादा हिस्सा दान में दिया करते थे। तो इनका नाम सबसे बड़े दानवीरों में भी उल्लेख किया जाता है। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपने बिजनेस को छुआ और उसे सोना बना दिया, और साथ ही कई लोगों की उन्होंने किस्मत भी बदली। रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर NCPA में रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन शाम के 4 बजे तक कर सकते हैं। रतन टाटा जी के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, और उन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। और इनकी मृत्यु कल रात यानी 9 अक्टूबर 2024 को रात के 11 बजे हो गई है। रतन टाटा जी का अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तत्पर हैं, तो जो शाम के 4 बजे तक कर सकते हैं, लोगों को उनके दर्शन शाम के 4 बजे तक कराए जाएंगे। तो यूँ कहा जा सकता है कि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सभी जानी मानी हस्तियाँ रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं। तो भगवान से हम लोग भी निवेदन करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे और इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति ओम। तो ये देश के लिए बहुत ही दुखद समय है। तो आज देश ने एक बहुत बड़े उद्योगपति को खो दिया है।